तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये रही अपनी फैट बॉय बुलेट जो बन रही है फैट बॉय, ये देखो। कल तक तो आपको दिखाया था मैंने खाली फ्रेम और इंजन ही फिट हुआ था, तो आप देखो आज इसकी प्लेट, साइलेंसर, आगे के शॉकर कवर, हैंडल, हैंडल के गुटके, बैंड पाइप और डमी बैंड पाइप जो है वो भी, और पीछे के प्लेट मडगार्ड वाला, और ये जैसे कि आप ये कह लो इसे, देखिए चैन कवर, गरारी, पीछे का टायर सब फिट हो चुका है, ब्रांड न्यू टायर बिल्कुल। ये जैसे कि ब्रांड न्यू टायर, ये देखो इस पर स्टिकर भी लगा हुआ है, अभी इतना नया है, ये अभी स्टिकर भी नहीं हटा। और ये जो आपको शॉकर दिख रहा है, जो आपको शॉकर दिख रहा है ये पुराना है, पर ये अभी ये सिर्फ टेम्परेरी लगाया है, ये ऐसे ही लगाया हुआ है, अभी बाद में इसे हटा देंगे, दूसरा लगाएंगे नया शॉकर। तो ये बैंड पाइप देखो, साइलेंसर क्रोम कलर, इसे क्रोम कराया, चालू कर रही है बाइक में, ये देखो। ये सब पार्ट्स क्रोम के हैं, सारे क्रोम कराए हमने, देखो अलॉय व्हील देखो बिल्कुल फैट बॉय की तरह, जैसे फैट बॉय में होते हैं अलॉय व्हील, सेम टू सेम वैसे। और फिर कैलिपर का जुगाड़ भी कर दिया पूरा, और झूला फिट कर ही दिया था हमने। और मैं आगे से दिखाऊं तो आगे से ऐसे, अभी फ़िलहाल आगे का टायर और छोकर वोकर रह गए, वो भी लगा देंगे। लेकिन देखो ये क्रोम कलर की फिनिशिंग देखो इसकी कितनी गजब की है। फिनिशिंग देखो इसकी एक नंबर क्रोम की। हैंडल टी देखो कितनी चौड़ी हैंडल टी है इसकी, ये देखो बहुत बड़ी हैंडल टी है इसकी, तभी तो इसमें 140 या 150 नंबर आगे टायर आ सकता है बड़े आराम से। ये इसके इंडिकेटर की फिटिंग जैसे फैट बॉय में होता है साइड में इंडिकेटर, बिल्कुल वैसा ही। और ये नंबर प्लेट इसकी, अब थोड़ी देर में अगला टायर भी लगा देंगे इसमें, और फिर इसके साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे काम हो रहा है। ये देखो, अगर बाइक अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसके अगले अपडेट के साथ ज़रूर मिलेंगे। अगली वीडियो कल फिर बनाऊंगा, तो फिर दिखाऊंगा आपको कि कैसी कितना काम हो चुका है, कहां तक हुआ है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।